यहाँ पर एक रंग महल है जहाँ पर रोज रात को श्री कृष्ण जी आते हैं और वहाँ पर विश्राम करते हैं। और ये है निधिवन में अंदर जाने का रास्ता। और ये इस तरफ देखेंगे आप तो यहाँ पर आपको ये तुलसी के अलग तरह के पौधे देखने को मिलेंगे। आज तक आपने जितने भी पौधे देखे होंगे वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर जो पौधे हैं वो नीचे की तरफ झुके रहते हैं। हालांकि यहाँ से उतना क्लियर तो दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी जो है ना इधर ये बांस का रास्ता बना दिया गया है, पहले ऐसा नहीं था। मैं यहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, लेकिन जब मैं पहले आया था तब ये ऐसे बांस का रास्ता नहीं बना हुआ था, जालियाँ नहीं बनी हुई थी, ये सब कुछ ओपन था। और यहाँ पर ये देखिए एक तुलसी के पौधे का ना ये देखिए ये कैसे मुड़ा हुआ है, आज तक आपने इस टाइप के पौधे नहीं देखे होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत जो है ना ये मंकीज की है। देखिए ये मंकी बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ये आपका यहाँ पर स्पेक्स और गॉगल्स निकाल लेते हैं और इसके अलावा आपके फोन्स भी छीन लेते हैं, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है यहाँ पर। इनकी वजह से यहाँ पर ये सब ये जाली बनी हुई है जिससे कि आदमी सुरक्षित आगे की तरफ बढ़ रहा है, नहीं तो पहले ये छीन लेते थे। और अभी भी जहाँ पे ये जाली नहीं है, जब हमने एंट्री की थी उससे पहले हमने देखा था कि एक आंटी का इन्होंने चश्मा छीन लिया। दोस्तों यहाँ पर ये जो आपको तुलसी के पौधे दिख रहे हैं, ये पौधे जो है ना ये रात को गोपियाँ बन जाते हैं। और यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि श्री कृष्ण भगवान गोपियों के संग रास बसाते हैं और इस रासलीला को कोई भी नहीं देख पाता है, क्योंकि जो भी इसको देखता है वो या तो पागल हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसा ही एक वाक्य कुछ समय पहले हुआ था, यानी कि कुछ दशकों पहले श्री राधा कृष्ण के एक भक्त हुआ करते थे संत राम जी, वो यहाँ पर आए और उन्होंने सोचा कि मैं यहाँ पर होने वाली रासलीला को देखूंगा, इसलिए वो यहाँ पर कहीं छुप कर बैठ गए। लेकिन अगले दिन जब यहाँ पर एक रंग महल है, रंग महल का जब गेट ओपन किया गया तो उस समय वो पागल हो चुके थे, उनकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। और ये जैसे जैसे मैं फोन ऊपर की तरफ कर रहा हूँ बैक साइड से मंकीज का खतरा बना हुआ है, ये जो जालियाँ हैं ना इसके बीच से आएंगे, हाथ मारेंगे और मेरा फोन लेके चला जाएंगे। नहीं तो यहाँ पर ये जो तुलसी के जो पेड़ होते हैं ना ये टेढ़े मेढ़े होते हैं, आज तक आपने भारत में कहीं पर भी ऐसा पेड़ नहीं देखा होगा। और यहाँ पर एक नहीं, ये पूरा निधिवन ही ऐसा ही बना हुआ है। और आगे यहाँ पर एक मंदिर है तो देखते हैं यहाँ पर शायद इसके आगे से हमें ये जाली देखने को ना मिले और हम आराम से आप लोगों को वो सभी व्यूज में दिखा सकूं, क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हुए हैं। यहाँ पर फोटो खींचना मना है, ये लिखा हुआ है इस साइड में, लेकिन वो भी नहीं दिखा सकता क्योंकि इतनी भीड़ है। ये लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और यहाँ पर राधे राधे के जयकारे लगाते हुए भक्तगण। चलिए भैया चलिए आगे बढ़िए। पूरा जयकारों के साथ यहाँ पर भक्तगण वो कर रहे हैं, शायद मेरी आवाज भी इतनी क्लियर ना आ रही हो क्योंकि यहाँ पर भीड़ बहुत अधिक है और इतनी भीड़ में मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। दोस्तों अभी जो है मंदिर देख रहा है यहाँ पर श्री बांके बिहारी जी इसमें यहाँ पर फोटो खींचना मना है। अंदर अभी हम गए थे, अभी हम मत्था भी टेक के आए, लेकिन इसके अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी अलाउ नहीं है, जिसके लिए यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है। तो अंदर तो मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन बाहर से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर श्री बांके बिहारी जी प्रकट हुए थे। तो अभी हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे, और आगे है रंग महल। और रंग महल में ही यहाँ पर हर शाम को भोग लगाया जाता है और भोग लगाने के बाद आरती वारती होती है, भोग लगता है और भोग लगने के बाद
ये निधिवन बंद हो जाता है और रंग महल के अंदर एक लोटा जल रखा जाता है, उसके साथ साथ राधा रानी का श्रृंगार रखा जाता है, पान और दातून रखा जाता है और उसके साथ यहाँ पर बिस्तर भी लगाया जाता है। तो जब सुबह उठ के देखते हैं इस रंग महल के दरवाजे को खोलकर, तो वहाँ पर पान खाया हुआ रहता है, लोटे में जल नहीं रहता और दातून भी किया हुआ होता है। यहाँ पर सेवा कौन कौन सी होती हो वो सब चीज़ों का रेट लिखा हुआ है। श्रृंगार सब 101 रुपये, लड्डू पान दातून 501 रुपये, चिन्नी 501, साड़ी श्रृंगार 1100, फूल सेवा 2100, सैया एवं फूल सेवा 11000, संपूर्ण सेवा 51000 की सजावट निकली। तो यहाँ पर ये सब होती है, तो आप अपनी श्रद्धा के अनुसार आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। देखिए यही है रंग महल, और यहाँ पर प्रभु का रोज शाम को बिस्तर लगाया जाता है। अंदर आपको राधा कृष्ण की बहुत ही प्यारी सुंदर सी प्रतिमा दिख रही होगी, तो आप भी दर्शन कीजिए और लाभ उठाइए इस मोमेंट का। ये देखिए, तो आप लोग श्रृंगार सेवा जो कुछ भी करना चाहे कर सकते हैं, इसका ऑप्शन यहाँ पे खुला हुआ। और यहाँ से देखिए, यहाँ से आप लोगों को तुलसी के पौधे दिखेंगे, क्योंकि उधर तो बांस की जो बैरिगेटिंग है और बांस का जाल बना हुआ उससे तो मुझे क्लियर नहीं होता, लेकिन यहाँ से इधर से ये दिख रहा है। तो यहाँ पे अब लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, बाकी तो ये बांस की वजह से बाहर का कुछ दिख नहीं रहा। बाहर बस आपको थोड़ी बहुत हरियाली दिख रही होगी, इस हरियाली के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा होगा। बस यहाँ तो कुछ कुछ जगह जो है ना ये जड़ें निकली हुई है, और ये देख रहे होंगे आप लोग, ये एक अलग ही तरह की हैं। ये पूरे भारत में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेंगी। और यहाँ पे ये देखिए, ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ये देख रहे होंगे आप लोग, ये देखिए। ये इतना घूमने के बाद मुझे एक पेड़ ऐसा मिला है जो कि इस रास्ते के बीच में है, और ये पेड़ जो है ना सारे पेड़ ऊपर की तरफ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो पेड़ हैं ये नीचे की तरफ आते हैं और इनके तने ऐसे ही रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। ऐसे पेड़ आपको भारत में कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे, और ऐसा कहा जाता है कि ये रात को गोपियाँ बन जाते हैं जो श्री कृष्ण के साथ रास रसाती हैं, और इसको कोई देख नहीं सकता है, और जो भी देखता है वो पागल हो जाता है या फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पर आगे एक और पेड़ हमें देखने को मिला, ये देखिए। तो इस टाइप की चीज़ें देखने के लिए आपको यहाँ पे आना पड़ेगा निधिवन में। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं निधिवन के बिल्कुल एंड फेज पे, और यहाँ पर आपको ये देखिए देखने को मिलेंगे अभी ये पेड़, क्योंकि यहाँ पर खुला स्पेस है, लेकिन वहाँ पर वो मंकी भी वेट कर रहा है, और मंकियों का यहाँ पर विशेष ध्यान देना पड़ता है, नहीं तो ये मंकी आपके फ़ोन कैमरे और गॉगल्स वॉगल्स निकाल के लेके चले जाते हैं। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा देर तक वीडियो शूट नहीं कर सकता, क्योंकि सामने वो दो बंदर हैं और बैक साइड में भी कुछ बंदर हैं जो कि पेड़ों से छुपे हुए हैं और वो ऐसे दिख नहीं रहे हैं। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये नृत्य का प्रोग्राम, और यहाँ पर ये तुलसी का पेड़ जो कि पूरा पेड़ दिख रहा है, पूरा पेड़ दिख रहा है, और मैं इससे ज़्यादा देर तक वीडियो शूट नहीं कर सकता, नहीं तो ये मंकी कहीं से भी आएंगे और मेरा फ़ोन लेके चले जाएंगे और मैं बिना फ़ोन के हो जाऊँगा। और ये हमारे फैमिली मेंबर्स, आप भी मिलिए इनसे। तो अभी हम चलते हैं इससे आगे की तरफ। दोस्तों निधिवन घूमते घूमते अब हम आ चुके हैं वंशी चोरी राधा रानी मंदिर में, और ये है वंशी चोरी राधा रानी मंदिर। अभी हम चलते हैं इसके अंदर,
और यहाँ पर फोटो खींचना मना है, तो मैं इसकी वीडियो पहले ही बाहर से ही शूट करता हूँ, देखता हूँ कि शायद आ जाए, क्योंकि अंदर इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है कि फोटो खींचना मना है, तो वीडियो भी नहीं बना सकते। हम चलते हैं अंदर की तरफ। दोस्तों अभी हम वंशीचोरी राधा रानी मंदिर के दर्शन करके बाहर की तरफ आ गए हैं और अब हम जा रहे हैं आगे की तरफ और यहाँ पर भी फोटो खींचना मना है। अब एक बार फिर से आ चुकी हैं कुछ जालियाँ जहाँ से आपको मैं यहाँ पे चलते चलते लास्ट सीन कुछ दिखाता चलूँ। ये देखिए, ये है वो तुलसी के पौधे और यहाँ पर ये देखिए इस तरफ मंकी बैठे हुए हैं और इधर की तरफ भी मंकी हैं और चारों तरफ यहाँ पर मंकी हैं और ये मंकी बहुत ही ज़्यादा लोगों को परेशान करते हैं, लोगों का मोबाइल फ़ोन और कैमरा ले लेते हैं और फिर लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पे है इसका एग्जिट, यहाँ से आप बाहर की तरफ निकलते हैं। तो दोस्तों अभी हम निधिवन से बाहर आ चुके हैं और पूरा निधिवन देखकर और यहाँ पर घूमकर हमें बहुत अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आगे और ऐसी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो फ्रेंड्स।